खबर सागर से है, जहां बीड़ी का निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ कार्यवाही का दबाव बनाकर 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग महंगी पड़ी। ईओडब्ल्यू जबलपुर व सागर इकाई की संयुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त के 5 लाख रुपए लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उक्त कार्यवाही रविवार को सतीश कुमार के 1 सिविल लाइन सागर स्थित आवास में की गई। बीआर एंड कंपनी के संचालक सिविल लाइन सागर निवासी अनिरुद्ध पिंपलापुरे ने सतीश कुमार के खिलाफ रिश्वत खोरी की शिकायत की थी। रिश्वत की पहली किस्त के 5 लाख रुपए लेते हुए ईओडब्ल्यू टीम ने क्षेत्रीय आयुक्त को पकड़ लिया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर इकाई के एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध पिंपलापुरे ने 3 जून को ईओडब्ल्यू एसपी कार्यालय सागर में सतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में अनिरुद्ध ने बताया था कि उसकी फर्म के विरुद्ध कार्यवाही का दबाव बनाकर सतीश 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू निरीक्षक उमा आर्य से शिकायत की जाँच कराई गयी। इस दौरान अनिरुद्ध व सतीश कुमार के बीच रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गयी, जिसके बाद रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए सतीश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि अनिरुद्ध पिंपलापुरे सागर में बतौर उद्योगपति पहचाने जाते हैं। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बीड़ी निर्माण का कारोबार है। मजदूर दिवस पर 1 मई को कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार ने अनिरुद्ध को श्रेष्ठ नियोक्ता श्रमिक कल्याण का सम्मान दिया था, जिसके कुछ दिन बाद सतीश कुमार फर्म के खिलाफ 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की धमकी देने लगे। जुर्माना कार्यवाही से बचने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईओडब्ल्यू ने आज कार्रवाई की है, किस पे कार्रवाई की है, क्या रिश्वत? ये स्थानीय बीआर एंड कंपनी के जो भागीदार हैं आवेदक श्री अरविंद पिंपलापुर है, इनके द्वारा 3 तारीख को स्थानीय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई में शिकायत दी गई थी कि ईपीएफओ के जो रीजनल कमिश्नर है उनके द्वारा इनसे अवैधानिक रूप से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन निरीक्षक उमा नवल आर्य से कराया गया, जिसमें कल इनकी रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड करना और 2 किस्तों में 5-5 लाख रुपए की मांग को प्रमाणित होना पाया गया। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभी लगभग 8 बजे इनको इनके निवास स्थान से 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा गया। क्या कारण इनकी कंपनी का जो फर्म है उसका इन्होंने कुछ सर्वे कराया होगा और उसमें पेनल्टी की राशि को लेकर के दबाव बनाया गया।